रागी, नाचनी या फिंगर मिलेट एक सुपर फूड है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन, कैल्शियम और फाइबर है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये एक सुपर फूड है क्योंकि ये ब्लड शुगर्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में रखता है। ये बोन हेल्थ के लिए काफी अच्छा है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी काफी मदद करता है। हर एक फैमिली को अपने डाइट में रागी जरूर इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हम हफ्ते में कम से कम 3 बार ये रागी डोसा की रेसिपी को ब्रेकफास्ट में बनाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सबसे इजी तरीका है रागी को अपने डाइट में इंक्लूड करने का। मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स को देखकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। हमारे रेगुलर डोसाज में ये एक छोटा सा ट्विस्ट लाने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखते हैं कि ये रागी डोसा कैसे बनाते हैं। स्टेप 1 है अनाज को भिगोना। रेगुलर डोसा और रागी डोसा में सिर्फ इतना फर्क है कि हमने इसमें थोड़े से चावल को रागी से रिप्लेस किया है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। यहाँ पे मैंने 1 कप इडली या डोसा राइस लिया है और 2 कप रागी या नाचनी लिया है, 1 कप उड़द दाल और 1 टेबलस्पून मेथी दाने लिया है। अगर आप रागी पहली बार खा रहे हो तो आप 2 कप चावल और 1 कप रागी से शुरू कीजिए और धीरे धीरे रागी की क्वांटिटी बढ़ाइए। इन सबको हम 5 से 6 बार अच्छे से धोएंगे और कम से कम 5 से 6 घंटे भिगो के रखेंगे। स्टेप 2 है इन सबको ग्राइंड करके एक बैटर बनाना। अनाज भिगोने के लिए जो यूज़ किया हुआ पानी था उसे फेंक देंगे और 1-2 बार इसे अच्छे से और वॉश करेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने के बाद इसे अच्छे से आप अपने हाथों से मिक्स करिए। हाथों से मिक्स करने का एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिससे हाथों के नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फर्मेंटेशन काफी अच्छा होता है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करिए। नमक आप ग्राइंड करते वक्त भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप डोसा बनाने से पहले भी ऐड कर सकते हैं। स्टेप 3 है बैटर को रात भर फर्मेंट करना। फर्मेंटेड रागी न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाता है और बी विटामिन कंटेंट बढ़ाता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी कम करता है। क्योंकि बैंगलोर में हल्की ठंडी है इसलिए इस बर्तन को हमने कपड़े से टाइटली कवर किया है और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर एक गर्म जगह पर रात भर रख देंगे। इसमें 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। स्टेप 4 है डोसा बनाना। अगर आपके पास कास्ट आयरन पैन हो तो आप उसी में डोसा बनाइए। जैसे आप रेगुलर डोसाज बनाते हैं उसी तरह से आप ये वाला डोसा भी बनाएंगे। बैटर को इवनली स्प्रेड करेंगे पैन पे और उसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल ड्रिजल करेंगे। घी रागी में से न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल अपने चॉइस का यूज़ कर सकते हैं। हमारी फैमिली दूध एज अ ड्रिंक नहीं पीती इसलिए हम रागी को हमारे डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करते हैं क्योंकि हमारा यही एक प्राइमरी सोर्स ऑफ कैल्शियम है। रागी थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेता है पकने के लिए इसलिए मैंने इसे पलट कर भी 15 से 20 सेकंड पकाऊंगी और यहाँ हमारा रागी डोसा रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे चावल को स्किप करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। 3 कप रागी, 1 कप उड़द दाल और मेथी दाने यूज़ करके, पर आपको ग्राइंड करते वक्त 1/2 कप पका हुआ चावल या पोहा ऐड करना पड़ेगा। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिए और आपके ब्रेकफास्ट को सुपर हेल्दी बनाइए। एक बार आप इसे ट्राई करोगे तो आप रेगुलर डोसा की जगह हमेशा यही रागी डोसा बनाकर खाओगे। आप भी ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।